हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। बीप आना चाहिए, ये कॉइल है। अब बीप नहीं आता तो फिर मैं ये फोटो लो एक, तो एक पहला ये कलर नहीं, ये नहीं, ये रजिस्टर है यहाँ पर। अब नोटिस करना, ये कैपेसिटर है, ये कॉइल है, ये कैपेसिटर है ध्यान रखना, ये ग्रे, ये थोड़ा सा हल्का सा ऑफ वाइट दिखाई दे रहा है, कैपेसिटर है, ये कॉइल है, ये कॉइल है, और देखेंगे जितने भी कलर के कॉइल देखेंगे यहाँ पे, ये दो कैपेसिटर, ये तीनों के तीन, ये दोनों कैपेसिटर है, ये दोनों क्या है बताइए, कैपेसिटर। तो यहाँ पर एक ही, तो ये अपना फिल्टर है, ये कोई कॉम्पोनेंट नहीं है, मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी, ये नेटवर्क सेक्शन बताऊंगा, ये कॉइल है, ये कॉइल है। तो यहाँ पर एक ही कलर का कॉइल दिखाई दे रहा है सबने, एक भी ठीक है। तो ये रियलमी का एक मोबाइल, आगे करो, अब कोई दूसरे सेट में आते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सैमसंग के सेट में आया, ध्यान दो, अब सैमसंग के सेट में हमको कॉइलों का देखो, ये मिला, ये कॉइल है, खींचो फोटो, ब्लू कलर का और दो बीच में व्हाइट, इस कॉइल को कहते हैं फ्रिक्वेंसी कॉइल, कौन सी कॉइल बोलो, फ्रिक्वेंसी कॉइल, ध्यान देना, सभी में सिंबल दिया था उसका, कहीं कुछ भी हो सकता है, डॉट लाइन, दो कलर, कलर देखना हमको, डॉट नहीं देखना, दो कलर। अब ध्यान दो, ये देखो कितने कलर दिखाई दे रहे बताओ, तो ये कॉइल है, खींचो फोटो, ये कॉइल है, ये कॉइल है, जितने भी दो कलर दिखाई दे वो कॉइल है। अब नोटिस करो, ये कॉइल हो गया, और देखेंगे यहां पर और कहां कॉइल मिल सकता है, और देखेंगे ये दो कॉइल है, ठीक है, ये भी कॉइल है, देखो एक ऊपर व्हाइट और बाजू में क्या ब्लू, अगर ये रजिस्टर होता तो बाजू में ना व्हाइट होता, क्या होता, ये बीप आ रहा है, आना चाहिए, ये बीप आ रहा है, जिसपे डॉट लगा हुआ है वो क्या, जिसपे डॉट लगा वो भी कॉइल है, कलर है ना, डॉट मत मानो उसको, कलर मान लो, ये कलर है व्हाइट और ब्लू, ब्लू या ये भी दो कलर है। तो बेसिकली यहाँ पर तीन कॉइल लगी है, एक दो और ये तीसरी, ये
तीन अलग अलग कॉइन मिल गई यहाँ पर, खींच ली फोटो आपने। चलो अगला कोई पीसीबी देखेंगे, अब ध्यान दो, अब हम अगला पीसी देखेंगे। ये तो ऑलरेडी चीज देख लिया अपन ने, ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गया। और देखेंगे कहीं पे जहां पर हमको और कोई अलग डिजाइन का कॉइल मिल जाए, ये भी हमने देख लिया। ज्यादातर चाइना के बोर्ड में यही कॉइल होता है, और जो ब्लू कलर का कॉइल होता है वो सैमसंग के मोबाइल में दिखता है, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पर, ये देखो ये भी चाइना का बोर्ड है, यहाँ पर ये भी कॉइल है, ये सारे कॉइल है, और ये फ्रिक्वेंसी कॉइल है। ये देखेंगे यहाँ पर, ये भी चाइना का बोर्ड है, ये भी कॉइल है, ये भी कॉइल है यहाँ पर, ठीक है। और देखेंगे ये, इसमें देखिए यहाँ पर देखेंगे ये भी कॉइल है, ध्यान देना, ये आपका आ जा रहा है इधर, ये कॉइल है। और देखेंगे कॉइल फ्रिक्वेंसी कॉइल, ये आपका बी कॉइल है, कौन सा कॉइल है, बी कॉइल, हाँ खींच लिए, मैंने खींच लो फोटो, ले लो ये बी कॉइल है। इसको हटा के क्या मार सकते हैं, बोलो, हाँ जम्पर मार सकते हैं। जैसे माइक में आपको ये वाला कॉइल कम देखने को मिलेगा, माइक में आपको ये वाला कॉइल देखने को मिलेगा, डुअल दो दो कलर का, समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो देखो इसको कहते हैं फ्रिक्वेंसी कॉइल, क्या कहेंगे बताइए, फ्रिक्वेंसी कॉइल। क्या बात है जल्दी बताइए, नॉर्मल कॉइल, दो प्रकार स्टेबल करना है, तो बाकी इसका भी सिंबल ऐसा है, इसका भी, पर इसको सो किससे करेंगे बताओ, बी से, इसको सो किससे करेंगे। अब अगर मैं इसको पहले आपको डायग्राम से दिखाता हूं, चलो डायग्राम देखिए। अब देखो मेरे पास, अगर मैं नेटवर्क सेक्शन में जाऊंगा तो हर जगह मुझे एलएल दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, या जहां पर भी ब्लैक कलर का होगा वहां पर एल ना दिखाई देगा, बी दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, बी। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला देखो, यहाँ पर ये डायग्राम ऑलरेडी खुला हुआ है, ये देखिए इस कॉइल में नोटिस करो, ये सेक्शन दिखा रहा हूं, यहाँ पर ये दो कॉइल लगे हुए हैं, तो यहाँ पर बी होना चाहिए कि एल होना चाहिए, बोलो, बी होना चाहिए। चलो देखो सर, तो ये इसका रिसीवर सेक्शन है, यहाँ पर ये देखो क्या लगा बताओ, बी। और ये कॉइल है, खींचो फोटो, यहां पर लिख देता हूं बी, दिस इज कॉइल, कौन सा कॉइल, I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette, I'm getting stronger step by step, the clock is ticking but there's no time for me, been flying from town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul, we are heroes tonight, we will fly above the sky, we are heroes tonight, yeah. Step by step, the clock is ticking, but
but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. यस सर, बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं लगा दो दिन में बोर हो रहा है ऐसा कुछ? नहीं सर, जो सर ने पढ़ाया है यहाँ पे तो सब कुछ प्रैक्टिकली पढ़ा है। हाँ सर। कैसे रही ओवरऑल क्लास? बहुत ही बढ़िया। जो अपना है। कैसे रही कॉम्प्लीट डी क्लास? बहुत अच्छी रही है। बहुत अच्छी मीन्स अगर मैं कॉम्प्लीट की बात करूँ तो किसी में जितने भी कॉम्प्लीट लगे हुए सीरीज में लगे पैरेलल में लगे तो उसमें 100% है। तो कैसे दो दिन क्लास ऐसा तो नहीं लग रहा बोल रहे बहुत बढ़िया तो ऐसा इंटरेस्टिंग क्लास आगे और भी कुछ मिले जी सर। तब तक अभी जो है 10-11 बजे तक बैठे हुए हैं। तो अभी मैं बोर्ड में बोर्ड का देखने में लगे थे जो अभी बहुत पहले लेकिन कैंसिल कर पाएंगे सही है पहले मिला जी सर। अब क्रिकेटिंग हो तो शायद वो डी के को विजिट कर रहा था दिल्ली आया कर पाएंगे।
गेट सेट गो सर। यस सर। भाई मेरे इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? और इंडिया का नंबर वन स्टूडेंट कौन है? 28 अक्टूबर की बैच। वेरी गुड। 28 अक्टूबर की। हेलो, थैंक यू वेरी मच। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेक कर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबॉल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू। डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल डेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना। आपने लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल डेकर सीपीयू। डबल डेकर सर रिबॉल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की। ये आपने किया? सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने। पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? करो डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? सर ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने। मेरे साथ में सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट